कल 20 नवंबर 1 बजे मौलाना मंजूर मैगल साहब का दामाद, मौलाना मंजूर मैगल साहब के 4 नवासे और मौलाना मंजूर मैगल साहब की बेटी, मतलब वो पूरी फैमिली जो है वो खुजदार से क्वेटा जा रही थी अपनी कार पे। तो जाते वक्त रास्ते में सोराब के करीब जो है उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में जो है मौके पर मौलाना मंजूर मैगल साहब की बेटी और मौलाना मंजूर मैगल साहब का 14 साल नवासा जो है वो जान भाग हो गए, फौत हो गए। और उसके बाद 3 नवासे और मौलाना मंजूर मैगल साहब का दामाद वो शदीद जख्मी हो गए, तो उनको हॉस्पिटल ले गए। रात जो है मौलाना मंजूर मैगल साहब के दामाद जो हैं वो भी फौत हो गए हैं, वो भी अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं। और ये एक इंतहाई दुखी खबर है और हम इस दुख में मौलाना मंजूर मैगल साहब के बराबर के शरीक हैं। और अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक मौलाना मंजूर मैगल साहब को सब्र दे और अल्लाह पाक मौलाना मंजूर मैगल साहब की बेटी को, दामाद को, नवासे को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। और 3 जो नवासे हैं वो अभी हॉस्पिटल में हैं, उनका इलाज जारी है, लेकिन 2 जो हैं वो ख़तरे से बाहर हैं, 1 जो है वो ख़तरे में है। तो लिहाजा उनके लिए भी दुआ करें और ये एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है। बाकी अल्लाह पाक जो है अल्लाह पाक खैर करें। जज़ाकअल्लाह, शुक्रिया।